जैसे कि आपको इल्म है कि कोरोना की पेंडेमिक ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया है, पाकिस्तान भी इस वबा की ज़िद में है और इस वबा से मुकाबले के लिए इस वबा में गरीबों, मजलूमों, बीवाओं, यतीमों, मजदूरों, मस्कीनों की दुख दर्द को कम करने के लिए पहले दिन से अलखिदमत फाउंडेशन भरपूर अंदाज से अपना किरदार अदा कर रही है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 अरब से ज़्यादा, 1 अरब 50 करोड़ रुपए से ज़ायद की रिलीफ सामान, जिसमें मेडिसन्स हैं, एम्बुलेंस नेटवर्क हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, कुक्ड फूड है, तैयार खाना है और राशन पैक की सूरत में 1.5 अरब रुपए, 1 अरब 50 करोड़ से ज़ायद वो रिलीफ सामान मुख्तलिफ ख़ानदानों तक पहुँचा चुकी है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 80,000 खानदानों तक हम फूड पैकेट पहुंचा चुके हैं, यानी 15 दिन का खुराक 80,000 खानदानों तक हम ये पहुंचा चुके हैं। हमारा हदफ ये है कि ये रमज़ान है, पहला अशरा ख़त्म हो चुका है, दूसरा अशरा शुरू होने वाला है, फिर तीसरा अशरा है और फिर ईद होगी। ये बहुत क्रूशल टाइम है। मेरी ये दरख्वास्त है कि रमज़ान के इस मुकद्दस महीने में, खुसूसन दूसरे और तीसरे अशरे में और फिर ईद के मौके पर, हमारा मंसूबा यह है कि हम लाखों खानदानों तक कम से कम 2 हफ्ते का ये फूड पैकेट या राशन पैक जो है वो पहुंचा सकें। 80,000 खानदानों तक हम पहुंचा चुके हैं। मुहैर हजरात से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अपने सदकात को, अपनी अतियात को, अपने डोनेशंस को, अपनी ज़कात को बड़े खुले दिल के साथ, बड़े सखावत के साथ ये अलखिदमत फाउंडेशन को दीजिए। अलखिदमत फाउंडेशन अमानत का नाम है, दयानत का नाम है, खिदमत का नाम है, एतमाद का नाम है।